करने जा रहे थे। हर महोत्सव को मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने गौ सेवा का त्यौहार, गौ सेवा का त्यौहार अपने कुछ नया करने वाले थे और वो भी पक्षियों के लिए घर में आ रही है तो उनको पानी मिलना संभव होता है। अपने उनके लिए पानी की जल सेवा करने वाले और खाने पीने की व्यवस्था करने वाले, मैंने 300 कुंडल आया है, पूरे फ्लैट है जिसके अंदर खाने का मिलेगा और एक पानी का। और मैं आपको बताऊंगा कल मतलब अमास को के हम कैसे उसको बांटते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, सब आपको दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो पे, तो बहुत मजा आने वाला है। चलिए आपको अभी मैं ये दिखाता हूँ हमारी पूरी टीम कैसे सब सेवा के काम में लगी हुई है। अभी जो है गाइस सुबह हो चुकी है और अपने ने रात में मैंने आपको बताया कि अपने ने सब कुंडे तैयार कर दिए थे। आज अमावस है, अमावस को अपने पूरे कुंडे लगाने वाले हैं, पूरा बड़ा प्रोग्राम है आज। लेकिन एक चीज़ अपने नहीं भूलेंगे, जो गायों को घास डालना है वो तो अपना फिक्स ही है, हर अमावस को गायों को घास डालना ही है, जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था। तो अभी अपने गायों को घास डालने के लिए उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि पिछले भी बताया था लेकिन अब की बार भी कुछ अलग होंगे तो दिखा दूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने दोपहर के टाइम अपने निकलेंगे पक्षियों के कुंडे लगाने। तो अभी जो है अपने यहाँ पे पूरी टीम इकट्ठा हो रही है, धीरे धीरे सब एक एक करके निकल रहे हैं और यहाँ पे गाय को घास डालने अपने जाने वाले हैं। और ये रहा अपना पकौड़ी जो पिछली बार लेट आया था। तो अभी यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए, फिर अपने ट्रक भर के चारा आ रहा है, आज लेट आ रहा है, सुबह आ रहा है, तो अभी उसमें अपने जाने वाले गाय को चारा डालने। तो चले मजा आएगा आपको ब्लॉग पूरा देखना और कमेंट में जय गौ माता लिख देना। तो अभी जो है अपने यहाँ पे पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी है, तो उसके लिए अपने ये बबलू भाई है जिसको जो अपने लिए चाय लेके आया है, सबको चाय दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस अभी अपने जो है ट्रक पे चढ़ चुके हैं सब मिलके, चारा भरा हुआ था और अपने ऊपर चढ़ चुका है सब, पूरी टीम चढ़ चुकी है, अभी निकल रहे हैं अपने गौ सेवा के लिए। जो ब्लॉग में मैंने बताया था वहाँ गौशाला में ही अपने जाने वाले हैं नेक्स्ट। आपको आज का कार्यक्रम बहुत बड़ा है और उसमें अपने कुंडे लगाने वाले हैं, ये काम होने के बाद अपने कुंडे लगाने के लिए जाने वाले हैं। 200-300 कुंडे हैं भाई, बहुत ही मजा आने वाला आज के ब्लॉग में, पूरा एंड तक देखना और कमेंट में जरूर लिख देना जय गौ माता और जय पक्षी दास। जय अभी जो है फाइनली अपने यहाँ पे पहुँच चुके हैं यहाँ पे चारा डालने के, जिसके अभी मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि ये अपना यहाँ पे गौशाला है, बहुत बड़ा गौशाला है, यहाँ पे अपने आ चुके हैं। ये देखिए पूरा देखते हो, अगर आपको पूरा ब्लॉग देखना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पिछले ब्लॉग के, पूरे वीडियो पूरे डिटेल में वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे कहाँ पे गौशाला और कैसे हम गौशाला करते हैं। इस बार शॉर्ट वीडियो बताऊंगा क्योंकि जाने वाला है पक्षी के लिए, ठीक है। चलिए अब तो आप यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पूरी सेवा कर रहे हैं, सब पूरी टीम लगी हुई है यहाँ पे, ये हमारे राजू भाई, सब पूरी टीम लगी हुई है सेवा में। तो आप भी ऐसी सेवा करो, अमावस को जरूर करें ये सब। तो गाइस अभी जो है अपने ने गायों की सेवा कर ली है, फिर बाहर अपने जब आए गेट के बाहर तो अपने को ये पता चला यहाँ पे छाछ, खट्टी छाछ जो कि शुद्ध गायों के दूध से यहाँ पे बनती है, और लोगों के जो यहाँ पे लोग आते हैं उनके लिए सेवा के लिए रखी है। पिछले व्लॉग में नहीं था इस अमावस से ये शुरू हुआ है छाछ का कार्यक्रम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारी पूरी मंडली यहाँ पे छाछ का आनंद ले रही है। फाइनली गाइज अभी जो है अपने सब गायों को घास डाल के आ चुके हैं, अभी अपने पक्षियों को कुंडा लगाने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि गायों को चारा डालने के बाद अपने सब पक्षियों के कुंडे लगाने वाले हैं, 300 कुंडे हैं, बहुत ही मजा आने वाला है आज के ब्लॉग में। पूरा ब्लॉग आप जरूर देखें क्योंकि बिना पूरे ब्लॉग देखे आपको मजा आने वाला नहीं है। और पक्षी राज की और गौ माता की जय जरूर लिख देना कमेंट में। तो गाइज अभी जो है अपने यहाँ पे सब इकट्ठा हो चुके हैं, कुंडे लगाने के लिए तैयार है। तो अभी ये जो कार आपको दिख रही है इसके डिक्की में अपने ने सब कुंडे भर लिए, अभी भी कुंडे बाहर पड़े ये रहे। एक और गाड़ी आ रही है उसमें अपने सब भर के जाने वाले, आज कहाँ कहाँ घूमने वाले मेरे को खुद को नहीं पता है भाई।
क्योंकि ये सब प्लान हमारे टीम के मेंबर बड़े मेंबर से हुआ है, तो हमको भी कुछ पता नहीं है, तो हमको भी आगे जाके ही पता चलेगा हम कहाँ जाने वाले हैं। और सबको पुण्य बांटने वाले हैं आज, पक्षियों की सेवा फुल मौज में होने वाली है, क्योंकि उनको भी गर्मी में पानी खाने की समस्या होती है, इसलिए हम वो काम कर रहे हैं ताकि उनको भी अच्छी व्यवस्था मिल सके और अच्छी पानी खाना मिल सके। चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी जो है अपने पूरी टीम एक जगह पे आ चुके हैं और यहाँ पे सब झाड़ों में, यहाँ पे देखिए कुंडे अपने लगा रहे हैं, ये देखिए ये रहा, फिर आपको दिख रहा है वहाँ वो वहाँ पे झाड़ दिख रहा है उसमें भी है, और इस साइड भी सब यहाँ पे सब कुंडे लगा रहे हैं। पूरी टीम देखिए सब कुंडे लेके जा रही है, तो अपनी पूरी टीम यहाँ पे कुंडे लगाने वाली है, सारे घरों में भी बांट रहे हैं। तो ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे सब कुंडे लगा रही है, यहाँ पे पूरा छिया है, इसलिए यहाँ पे देखिए छाव में सब कुंडे लग रहे हैं सेवा की तरफ से। आज ना दिवस तो ना को पड़ा कोई तो गाइज अभी यहाँ पे अपने लगा रहे थे, तो फ्री फ्री के चक्कर में सब यहाँ पे पूरी टीम इकट्ठा हो चुकी है। देखो गाड़ी पे भीड़ लग चुकी है, पूरी यहाँ पे सब भीड़ लग चुकी है, और अपने सब मतलब बोल रहे हैं हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, हमको भी सेवा करनी है, तो हम सबको देने के लिए तैयार है, लेकिन जो भरेगा अच्छे तरह से उसको पुण्य मिलने वाला है, ऐसे ले जाके घर पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम जिनको लग रहा है कि हम दे सकते हैं उनको ही दे रहे हैं। देखो ये काका रिक्शा वाले दिख रहे हैं आपको, ये भी लेके जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पर पूरी भीड़ लग चुकी है सब लेके जाने वाले हैं। अभी जो है अपने सब जगह लगा लिए, अभी इतने काम कर रहे हैं, इतने सारे बच रहे हैं, अपने कोई जगह नहीं बचे, इसलिए एक सोसाइटी में आए, यानी कोई ये सोसाइटी है जहाँ पे सब लोगों को अपने बांट दी ताकि वो अपने घर में लगाए और अच्छे से सीढ़िया की सेवा करें और सब मतलब डालने वाले सब डालें और अच्छे से सेवा कर सके। यहाँ पर अपने आ चुके हैं ये सोसाइटी है, और यहाँ पर अपने एंट्री हो चुके, सबको बांट रहे हैं, सबको घूमने देना है यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं। अभी जो है यहाँ पे सब अपने कुंडे बांट रहे थे, थोड़ी भीड़ खुल के रखा था, सब ने देख लिया और पूरी फुल भीड़ लग चुकी थी, भीड़ लगने के कारण पूरे पूरे अपने जितने भी कुंडे लाए थे 300-250 मौसम खत्म हो चुके हैं, पूरा एंड हो गया है, लोग और मांग रहे हैं लेकिन अपने पास अभी है नहीं, इसलिए अभी नेक्स्ट मास को देखते हैं और कुंडे बांटने की इच्छा हुई तो अपने और बांटेंगे और ऐसे ही काम नेक काम करते रहेंगे ताकि अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सके। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सब्सक्राइबर को ज़्यादा बढ़ाइए, आपको ऐसे वीडियो आप नए नए देखने। तो फाइनली ये जो अपने यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं अमावस को, हमने बहुत ही मज़े किया, नेक्स्ट डे मैं आपको एंड कर रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मैं उस दिन बहुत थक चुका था, फुल सेवा की थी, बहुत ही मज़ा आया था। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय गौ माता और जय पक्षीराज की जरूर लिख देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।